ये सिवनी तहसील के सिवाना सुवाला गांव में, सुवाला गांव की घटना है। वहां पर 2 तारीख की रात्रि तकरीबन 8 बजे ये हमारे जो परिवादी आज पेश होने आए हैं, ये ट्रैक्टर में सवार होकर अपने घर पे जा रहे थे। तो इस घटना के दरमियान एक जाति विशेष के लोगों ने इन पे हमला कर दिया। उनके 4-5 जनों के शरीर पर कुल्हाड़ी से, लाठियों से हमला किया। उनके वाइटल पार्ट पर गंभीर प्रकृति की चोटें खारिज की है। तो उसके बाद में वहां पे उन्होंने भी एक रोष मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करवाया एट्रोसिटी एक्ट का, कि इन्होंने एक साथ होकर हमारे साथ मारपीट की है। जबकि इस घटना का जो मूल मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ पे सुवाला गांव के अंदर एक गांव में गोचर जमीन है। तकरीबन 20 से 25 बीघा जमीन पर एक जाति विशेष के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण की कंप्लेंट भी 2019 से लगाकर कंटिन्यू थे। उस गांव के सरपंच, मुखिया और उसके साथ में जो गांव के मौजूद लोग हैं, वो प्रशासन को बार बार अवगत करवा रहे हैं। तो ये अवगत करवाने की इसी बात को लेकर एक जाति विशेष समुदाय ने रंजिश पूर्वक पूरी ही योजनाबद्ध तरीके से ये जो जा रहे रास्ते में रोड पे जा रहे लोगों को रोककर उनके साथ लाठियों से, कुल्हाड़ियों से और धारियों से हमला करकर तकरीबन 4 से 5 लोगों को गंभीर प्रकृति की चोटें बारी करके घायल किया है। और उसके बाद में उन्होंने हमारे व्यक्तियों के खिलाफ जाके एट्रोसिटी एक्ट का और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहां पर प्रशासन ने जो मुलजिम है उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, उनको गिरफ्तार नहीं करते हुए जो सामने वाला पक्ष है उनका मुकदमा भी दर्ज है और क्रॉस में मुकदमा दर्ज है, उनका मुकदमा दर्ज करके और हमारे 3 एक्यूज को गिरफ्तार किया है, जिनके सर पर गंभीर प्रकृति की वाइटल पार्ट पे चोटें आई है। और जो खुद पीड़ित है, पीड़ित पक्ष है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जबकि हमारे द्वारा 162/24 PSU में मुकदमा दर्ज है, उसमें एक भी मुलजिम को पुलिस ने आज तक न गिरफ्तार किया है, न जो अवैध अतिक्रमी जो अतिक्रमण करके बैठे हैं कम से कम 20-25 बीघा सरकारी जमीन पर, न तो प्रशासन द्वारा आज तक 2019 से पूरा गांव सुवाला बालासर की ग्राम पंचायत 5-5 से सारे ग्रामीण 2019 से लगाकर लगातार वहां पे शिकायतें दर्ज करवाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के कान तक दूर तक नहीं रेंगी है। उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है। अतिक्रमण की शिकायत को रंजिश में रखते हुए इन्होंने ये इस तरह से योजनाबद्ध तरीके में इन लोगों पे हमला किया है, उनको चोटें खारिज करवाई है। लेकिन उसके बाद भी आज भी पुलिस ने एक भी उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया है जिन्होंने वाइटल पॉइंट पे हमारे 5 लोगों के सर पे चोटें खारिज की है। उनका आरोप है कि दौरान गुस्साए लोग, इसमें कितनी सच है? देखो, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये चुनावी रंजिश और ये इस तरह की बातें, ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक तुल देने के लिए, इस मामलों को हवाई देने के लिए राजनीति की बात की जाए, बाकी कोई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम जैसी कोई बात नहीं हुई है, न कोई वोटों की बात है। बीते भी महीने 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ उस शिकायत से इनसे रंजिश लगी और रंजिश इनके साथ मारपीट की है। लेकिन पुलिस ने आज तक हमारे एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एट्रोसिटी एक्ट का उसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। अब एसपी साहब से ज्ञापन सौंपा, क्या बातचीत हुई? अभी एसपी साहब से ज्ञापन सौंपा और एसपी साहब के वास्तव में जो घटना है वो एसपी साहब के संज्ञान में दिलाया कि ये कोई चुनावी रंजिश का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ नेताओं का काम है चुनावी रंजिश के मुद्दे बनाना और इस तरह के घटना को हवाई रूप देना सोशल मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन ये जो आज का घटनाक्रम है ये एसपी साहब के नॉलेज में दिलाया कि इन्होंने जो कंप्लेन की थी उस गोचर भूमि के संबंध में, उससे रंजिश रखते हुए इन्होंने इन पर हमला किया है। और तब एसपी साहब को पूरी इस चीज को समझ में आई और उन्होंने इसको त्वरित कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया हमें कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सामने वाले पक्ष के मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी हम कलेक्टर महोदय से उस जो अतिक्रमण किया हुआ है जाति विशेष के लोगों द्वारा, उस अतिक्रमण को वहां से मौके से हटाने के लिए अभी हम एसपी साहब को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कि वहां से जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए।